हे गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं आया हूँ बगीचे तक। आजकल लगा है मई का महीना और आजकल हो जाते हैं सेब वालनट साइज़ के। जैसे ही सेबों का आकार अखरोट के बराबर होता है, इसमें लग जाते हैं तरह तरह के कीट जो कि सेब को नुकसान पहुँचाते हैं और सेब की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती। उसमें से एक कीट है सेंजोस्केल। आज हम उसी को ही ढूंढने आए हैं। अगर हमें सेंजोस्केल पौधे में मिला तब हमें स्प्रे करनी पड़ेगी ताकि उससे छुटकारा मिल सके और हमारे सेब अच्छी क्वालिटी के हो सके। यहाँ पर है कुछ एक सेब जिसमें हमें ढूंढना है सेंजोस्केल। सेंजोस्केल मेन तौर से लगता है सेब की चमड़ी में, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल होता है क्योंकि वो चमड़ी के ही कलर का होता है। सेंजोस्केल तभी ढूंढा जा सकता है जब उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अगर उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब वो पेड़ सूख भी सकता है, इसलिए एडवांस में ही उसे देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे दोस्तों गाला के पेड़ में। ये है गाला का पेड़। इसमें हम देखेंगे कि इसमें सेंजोस्केल लगा है या नहीं। यहाँ पर इसमें फ्रूट भी लगाए हैं। सेब की स्किन में सेंजोस्केल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन पत्तियों में या सेब में ढूंढना बहुत ही आसान होता है। तो गाइज, हम सेबों में ही ढूंढते हैं जिससे कि हम आसानी से इस कीट को ढूंढ सकें। या तो गाइज, हमने ढूंढ लिया है। यहाँ पर इस सेब में जो ये डॉट है और इस डॉट के अंदर एक वाइट कलर का छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है, यही है सेंजोस्केल। इसने इस सेब में से रस चूसना शुरू कर दिया है और सेब ने रिकवर होने के लिए यहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया है जिससे कि ये डॉट पड़ गया है। सेब यहाँ से हील हो रहा है, लेकिन बार बार सेंजोस्केल इस सेब से रस चूस रहा है। सेब से सेंजोस्केल का आसानी से पता लग गया। अब हम देख रहे हैं कि इसमें लगभग 10-15 सेब में से एक सेब में लगा है सेंजोस्केल। और धीरे धीरे से जैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी, ये दिन में 50 गुनी और रात में 100 गुनी तरक्की करेंगे और इनकी जनसंख्या एक विस्फोट की तरह बढ़ती है। तो अब तो इसमें स्प्रे हमें करनी ही पड़ेगी। तो गाइज, ये है गाला का पेड़। अब हमें रेड डिलीशियस के पेड़ में भी देखना पड़ेगा कि उसमें भी सेंजोस्केल लगी है या नहीं। गाला एप्पल वैरायटी में तो हमने सेंजोस्केल को देख लिया, अब हम रेड डिलीशियस एप्पल वैरायटी में भी सेंजोस्केल को देखेंगे और उसके बाद हम स्प्रे की क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। यहाँ पर है रेड डिलीशियस के सेब। इसमें बाकी तो सेब साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक सेब में लगा है यहाँ पर सेंजोस्केल। ये जो डॉट है और डॉट के अंदर एक वाइट सा डॉट है, यही है स्केल। ये छोटा सा कीट होता है जो कि इस सेब में से फल चूसता ही रहता है, उसके बाद दे देता है अंडे और धीरे धीरे से इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज, हमने गाला एप्पल वैरायटी में भी सेंजोस्केल को ढूंढ लिया और रेड डिलीशियस एप्पल वैरायटी में भी सेंजोस्केल को ढूंढ लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है इसको कंट्रोल करने का। इसको कंट्रोल करने के लिए हम करेंगे स्प्रे, जिससे कि सेंजोस्केल और इसके अंडे भी हो जाएंगे ख़त्म और हमारे सेब बनेंगे अच्छी क्वालिटी के।